बेघर, भूखे और बेरोजगार, यह भारत की राजधानी दिल्ली की पब्लिक, जिनके बीच लॉकडाउन के दौरान लोकल सरकार और कुछ एनजीओज दोपहर का खाना बांट रही हैं। सुबह से भूखे रहने के बाद दोपहर में उन्हें पहला खाना नसीब हुआ है। काम नहीं है, भूखे हैं, इसलिए नाराजगी है, इसलिए गुस्सा, और क्या, बीमारी से थोड़ी नहीं मर रहे, भूख से मर रहा इंसान है। कोई किसी को यहाँ नू नहीं कहता, भैया तू रोटी खा ले, भग के जाएगा, दौड़ के लाइन में लगेगा, एक दो घंटे इंतजार करेगा जब जाके खाना मिलता। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में बेरोजगारों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। अब यहाँ पे हो गई पब्लिक 8 से 9 हज़ार रुपये, तो उनमें हमें दिक्कत आती है सोशल डिस्टेंस बनाने में और उन लोगों को समझाने में, और जब एक भूखा आदमी तड़पता है तो किसी की नहीं सुनता। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हैं और लोग भी बहुत कम सड़कों पे हैं, क्योंकि लॉकडाउन बिल्कुल कंप्लीट है, टोटल है। लेकिन इन झाड़ियों के पीछे आपको हज़ारों लोग शेल्टर लिए हुए दिख जाएंगे, और वो या तो रोज़ की दिहाड़ी करते हैं या फिर होमलेस लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज भूल चुका है और सरकारी दस्तावेज में इनका वजूद नहीं है, और यही नज़ारा है भारत के कई दूसरे बड़े शहरों में। समाज से वंचित हो चुके हैं इस वक्त, ये यहाँ इनको ना कोई चिकित्सा सुविधा मिली, आज तक किसी को कोई मास्क नहीं मिला यहाँ, ना किसी का चेकअप हुआ। होगा भैया किसी का चेकअप? सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की सारी कोशिशें यहाँ नाकाम नजर आती हैं, लेकिन इनका कहना है कि बीमारी से पहले वो भूख का शिकार हो सकता है।